नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अपने फार्म पर अपडेट देंगे कि कौन सी गाय गाभिन हो चुकी है कन्फर्म, क्योंकि आज हमने चेकअप कराया और इसमें पता चला इतनी सारी गाय हमारी गाभिन है, हम कन्फर्म प्रेग्नेंट है। और आज लगभग 5 गायों को सीमेन डलवाया, तो कौन सा सीमेन डलवाया और कौन सी गाय को, तो सभी गाय को भी दिखाऊंगा और पूरा इस पर डिटेल दूंगा। डेयरी फार्म में प्रॉफिट एक अलग चीज़ है कि प्रॉफिट नुकसान जो भी होता है, और जो समय से अगर गाय प्रेग्नेंट हो जाती है, रिपीटिंग समस्या नहीं आता है, तो ये केस सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो ये चीज़ हमारे फार्म पर खुशी है कि मतलब लगभग 9 गाय हमारे फार्म पर एकदम कन्फर्म प्रेग्नेंट है, जो 6 महीना 7 महीना 4 महीना 5 महीना उस टाइप से, और बाकी जो है सीमेन भी 5 गायों को लग गया। तो मिला जुला के एक चीज गिनती करते हैं तो हमारा जो कंसीव करने का जो टाइमिंग है वो गायों में रिपीटिंग समस्या बिल्कुल नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत खुशी है। और रिपीटिंग समस्या क्यों नहीं है, इस पर चर्चा हम करेंगे कल के वीडियो में, लेकिन आज जो है कौन कौन सी गाय कन्फर्म है, कौन सी गाय को सीमेन लगा, वो दिखाता हूँ बैक कैमरा करके आप लोग को। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है, ये पंजाब वाली गाय से, ये वाली पंजाब वाली गाय है, मंडी डाब वाली की गाय है, जो आज इस गाय को सीमेन लगा, इसको SAG का 5-स्टार सीमेन लगा है आज। और अपनी ये बुढ़ी वाली गाय जो है, ये खरीदी हुई बुढ़ी वाली नहीं है, लेकिन बुढ़ी जैसी लगती है, तो इसका नाम बुढ़ी हम लोग रख दिए है। तो जो इसकी ये बछिया है, ABS वाली बछिया थी इसकी, ABS की PKC की, तो इसी गाय का चेकअप हुआ, तो इसका 6वां महीना प्रेग्नेंट का चल रहा है, 6 महीना होने वाला है, 5वां पूरा हो गया है। और ये वाली गाय, बछड़े वाली गाय जो है, जो यहाँ पर बछड़ा दी थी गर्मी के दिन में, तो ये भी गाय का 4था महीना चालू हो गया है। ये बुलेट गाय, इसका भी 6वां महीना चालू हो गया है। तो 3 गाय कन्फर्म प्रेग्नेंट, ये तीनों का चेकअप हुआ और चेकअप करने के बाद पता चला। और उसके बाद ये वाली जो हमारी व्हाइट ब्यूटी जो है, अभी बच्चा देने का इसका अभी लगभग 10 दिन बाकी है, 9 महीना पूरा हो जाएगा 2 दिन के अंदर, और 2 जनवरी को इसका 9 महीना पूरा हो जाएगा, उसके बाद से जो डेट ले आगे। तो आप देख सकते हैं कैसी तैयार हो रही है। और इस साइड में घर वाली सबसे बूढ़ी गाय, अपनी गाय, ये घर वाली मेरी किस्मत है, जो भी है घर की बूढ़ी गाय है, 6 बियान अपने यहाँ बच्चा दे चुकी है, अब 7वां बयान के लिए कन्फर्म हो चुकी है, 3 महीना पूरा भी हो गया है प्रेग्नेंट का, जिसका भी चेकअप हो गया। तो इस साइड में दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 गाय कन्फर्म प्रेग्नेंट है, ये सभी का डेट चेकअप हो गया। ये वाली अभी नहीं है, इसका चेकअप भी नहीं हुआ, ये वाली का शक था तो छोड़ दिए, ये अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों एक सैड है, इसमें बैड न्यूज है कि ये वाली गाय को हम, बछिया जो हमारी है, इसको हमने सोच रखा था कि ये प्रेग्नेंट है, 4था महीना चल भी रहा था डेट के हिसाब से, लेकिन ये वाली एक दुख की बात है कि ये कन्फर्म नहीं है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये वाली गाय ने हमारी खुशी दे दी, ये प्रेग्नेंट कन्फर्म है, ये 5वां महीना इसका चल रहा है। और ये वाली गाय एक, इसका किस्मत ही इसका अलग ही मतलब है, इसका भविष्य ही अलग है इस बछिया का, ऐसे हमारे पास से 2 साल की हो चुकी है और समय के हिसाब से बहुत उम्र हो गया, और गाय इतनी लंबी कटकाठी की है, सभी बछियों में बड़ी है। और इस बछिए का नाम तुअरी बछिया है, इसकी माँ नहीं है तो इसका नाम तुअरी है। और ये बछिया जो थी हमारी गाय, जो फर्स्ट लैक्टेशन में इसकी माँ ने 12 लीटर दूध एक टाइम का लगाया था, दोनों टाइम मिलकर 24 लीटर दूध लगाया था, और माँ इसकी मर गई इसके बचपन में ही, छोटी पर ही, तो इसने हमारे घर वाली गाय का दूध पी के जिंदा रही और इतना आज के डेट में हमारे पास। तो थोड़ा सा समय इसलिए बछिया का टाइमिंग बिगड़ा और 2 साल की हो गई, फिर भी मतलब इतना लेट हुआ। 40-116 की ये बछड़ी थी, अब देखिए अब 5 महीना इसका हो गया है, तो 4 महीना बाद जो भी आएगा रिजल्ट, गाय बहुत बढ़िया है और शुद्ध शांत एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बछिया जो है, ये भी कन्फर्म नहीं है, ये भी धोखा दे दी है, 2 बछिया हमारी धोखा में है। बाकी दोस्तों इस साइड में अब 6 गाय कन्फर्म प्रेगनेंट हो गई। अब दूसरे साइड में चलते हैं, इस साइड में अपने, तो इस साइड में आते हैं, तो अभी इधर गोबर का काम हो रहा है, तनिक एक साइड हटा लिया। तो इस साइड से आते हैं दोस्तों, तो ये वाली गाय जो पोछ उठाई है, इसको भी चेकअप हुआ है, ये भी कन्फर्म प्रेग्नेंट है। और इधर से लाल कलर वाली भी गाय जो है कन्फर्म है, वो वाली 3 महीना की प्रेग्नेंट है और ये वाली 6 महीना की,
और इस साइड में ये दो पंजाब बोली है और एक ये बीच में दूसरी गाय है, तो इसको भी सीमन लग गया है, लगभग एक महीना हो गया लेकिन चेकअप नहीं कराए हैं, तो अढ़ाई महीने बाद उसको भी चेकअप कराएंगे। इधर गोबर का थोड़ा साफ सफाई चल रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जैसा आया। इधर देखे गोबर दीपक दबा रहा है तो इस साइड में। दोस्तों अब बाहर आते हैं, बाहर में जो भी है इसको थोड़ा दिखा देते हैं कौन सी का इधर क्या क्या हुआ है। दोस्तों इस साइड में जब आते हैं तो आज सीमेन जो है हमारे फार्म पर इसका एक चेकअप हुआ है। ये वाली गाय कंफर्म प्रेग्नेंट है, ये जो फ्री वाली गाय थी वही वाली है, इसका भी चेकअप पूरा क्लियर हो गया, ये भी कंफर्म है प्रेग्नेंट है। और बाकी इस साइड से ये वाली गाय को सीमेन लग गया आज, इसको सीमेन लगा SAG का, सभी को SAG 5-star लगा। ये भी बच्चिया को सीमेन लग गया, देखिए 1-2 अंदर एक को लगा 3 और यहाँ से 4th नंबर, इसको भी सीमेन लग गया। और इसके बाद ये वाली गाय को भी सीमन लग गया, तो इस साइड में 4 गायों को सीमन लगा, अंदर वाली में 5 गाय को। तो इस साइड में दोस्तों 4 गाय को सीमन लगा, 1 गाय कंफर्म प्रेग्नेंट है, बाकी सब गाय ताजी वाली है, ताजा भी आई हुई जितनी भी गाय है वो सब है अंदर में। तो ये टोटल गाय हमारे पास अभी 10 गाय प्रेग्नेंट है और कन्फर्म प्रेग्नेंट है, जो लगभग 10 दिन एक बच्चा देगी, 1-2-3 महीना बाद देगी, एक उसके बाद देगी। अब दोस्तों आते हैं बाहर, तो ये देखिए सीमेन जो है 5 आज जो लगा है, यही वाला सीमेन लगा है, 6 सीमेन है लेकिन एक पुराना है और 4 दिन पहले जिसको लगा है। ये वाला ABS वाला जो है PKC का दोनों सीमेन है, और ये जो है SAG का ही है, ये भी SAG का सब सीमेन, ये जो है 5-star ही लगा है। दोस्तों ये सीमेन जो है इसका रियल प्राइस जो है प्रिंट इसका 300 रुपया रहता है, लेकिन जो है इसका सस्ता रेट लगता है, इतना ज़्यादा लगता नहीं है, तो इसका कुछ कम पैसा लगता है, अपने डॉक्टर के ऊपर है, अपने व्यवहार के ऊपर है। तो दोस्तों ये जो सीमेन है अब कैसा है कैसा नहीं, लेकिन SAG का जो हमारा 5-star का बछिया है, वो हमारे पास एक बछिया ऑलरेडी है जो लगभग 20-22 लीटर दूध दिया है हमारे फार्म पर फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में, तो सीमेन हमको अच्छा लगा इसलिए हमने लगवाया इसको। तो दोस्तों बाकी सब जो है अपने फार्म पर सब कुछ अभी आज जो था काम काज यही दिन भर मतलब हुआ, लगभग 9 गायों का चेकअप हुआ, 9 गाय का चेकअप के बाद 5 गायों को सीमेन लगा और पूरा दिन भर का काम आप जानते ही है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, वीडियो दूसरा आता रहेगा और आप लोग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और गर्मी ठंडी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे देख सकते हैं इधर से कैसा एकदम गोबर उठ गया है, फिर भी कितना गंदगी है इधर, अभी मोटर चालू करके अभी इधर भी धुलाई होगा, उस साइड से भी दीपक कर रहा है और इस साइड में धुलाई बाकी है। ये जो है लारी अपनी देखिए गोबर वाली, ठेला जो है हमारा टूट गया और ये ठेला फिर से खरीदना पड़ेगा क्योंकि लोड बहुत है, गोबर इतना ज़्यादा एक दिन में एक ट्रैक्टर गोबर हो जाता है। तो ये फावड़ा जो है देखिए, इसमें फावड़ा जो है कितना काम का है प्लास्टिक वाला, ये सब मनीष इंटरप्राइज का लिया हुआ है। दोस्तों जो भी बताया ये सब जो है डिटेल दिया, आज इस पर भी बात कर लेते हैं कि हमने बताया कि अपने फार्म पर जो है इतना कंसीव रेशियो जो है, जो गाय बार बार रिपीट नहीं होती है उसका मेन कारण क्या है। रिपीटिंग समस्या सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हमारे फार्म पर रिपीटिंग इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, उसका मेन कारण है दोस्तों मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर में दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि मिनरल मिक्सचर कौन सा देते हो, तो मिनरल मिक्सचर एकदम जो लोग के नज़र में घटिया है बेकार है उसी का देते हैं, जो सुधा डेयरी का मिनरल आता है वही 90 रुपया वाला मिनरल मैं अपने गायों को खिलाता हूँ और उसी से हमारी गाय का इतना सब कुछ सही है। 4th, 5th, 6th बयान की हमारे फार्म पर गाय है और बच्चा दिया उसका 5 महीना हुआ और 3 महीने लगभग होने वाला है प्रेग्नेंट का, तो आप सोच सकते हैं कितना जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होती है। तो और अपने डॉक्टर भी फिर से आ चुके हैं क्योंकि ड्यूरापोर्जन इंजेक्शन नहीं था, तो ड्यूरापोर्जन इंजेक्शन जो है सभी गायों को लगाना है, 9 गाय का जो चेकअप हुआ है वो आ चुके हैं डॉक्टर। और देखिए ये जो है इंजेक्शन का तैयारी कर रहे हैं, सभी गायों को इंजेक्शन लगेगा जिसका चेकअप हुआ है, सभी को ड्यूरापोर्जन लगाना जरूरी है। और इनसे पूछते हैं लगाना जरूरी क्यों है और डॉक्टर से बात करते हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और देखिए इनसे बात कीजिए। ड्यूरापोर्जन चेकअप के बाद क्यों लगाना पड़ता है? ड्यूरापोर्जन इसलिए लगाना पड़ता है, मान लीजिए कि ओवर्शन का डर नहीं रहता है, हाथ लगाए हैं मशीन से तो कोई जाँच नहीं हुआ है, हाथ से तो जाँच हुआ है, उसके बाद बच्चा गिराने का संभावना नहीं रहता है, बच्चा तो जांच कर दिए उसके लिए सेफ्टी तो जरूरी होता है, ये लगा देने से बच्चा के कोई डर नहीं रहता है
यही तो जरूरी है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। और यही हमारे डॉक्टर है मोहन ओझा, जो सीमेन का देख रेख करते हैं यहाँ का और बच्चे का जो भी होता है प्रेगनेंसी का, तो टोटल इनका ही काम काज है अपने फार्म पर, और जो भी कुछ हैंडल करते हैं यही करते हैं। तो लोटा बोला, अगर कोई समस्या होता है आपको तो इनसे जानकारी ले सकते हैं, और इनका भी एक वीडियो स्पेशल बना के डाल दिया जाएगा। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गो माता, जय गो।